व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलिस क्लासिक कुजीन। बिहार और झारखंड में मनाई जाती है हरिताली का तीज और इस अवसर पर बनाई जाती है पेड़किया। इसे गुजिया भी बोलते हैं और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। मैं बनाऊंगी मावा पेड़किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चेक आउट द रेसिपी। पेड़किया बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पर लूँगी एक कप मैदा, में 250 ग्राम है। अब मैं डालूंगी एक चम्मच घी और अब मैं करूंगी अच्छे से मिक्स। तो हाथों से मसल मसल कर अच्छे से मिक्स करें। मैदे में मोए अच्छे से डाला है या नहीं इसे चेक करने के लिए इसे हाथों में मुट्ठी में बंद करके देखें, कुछ इस तरह से। तो हमारा मोयम प्रॉपर डला हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे गूंद लेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो ये गीला हो सकता है। हमें एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है, जैसे पूरी का होता है ना, वैसा ही। तो अब मैं थोड़ा पानी और ऐड कर ले रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मिले मेरे लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। थोड़ा पानी और ऐड करें और मिक्स करें। तो इस तरह से हमने डो तैयार कर लिया है। इसे बहुत सॉफ्ट ना करें, में बहुत गीला हो सकता है। अब इसे गीले कपड़े से ढक कर रखें। स्टफिंग तैयार करना है तो ये मैं 150 ग्राम मावा ले रही हूँ और इसे अब फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को मीडियम रखें और इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करें। जब भी मार्केट से मावा लाएँ तो उसे फ्राई करके ही इस्तेमाल करें। अब स्टोव को बंद करें और इसे लगातार चलाते रहें, क्योंकि पैन हमारा अभी भी बहुत गर्म है। मावा हमारा यहाँ पे ठंडा हो गया। अब इसे अच्छे से मिक्स करें और इसमें डालें ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद का डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कैश्यू, पिस्ताचियो और आलमंड डाला है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें, मिक्स करें अच्छे से। अब मैं ऐड करूंगी 50 ग्राम्स पाउडर शुगर। हमारा बहुत छोटा पड़ रहा था तो मैं इसे प्लेट में शिफ्ट कर रही हूं और इसे शिफ्ट करके अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर लें इसे। शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। फिर से इसे बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो हमारा स्टफिंग बन करके बिल्कुल तैयार है। अब मैं चेक कर ले रही हूं कि हमारा डो कैसा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर के एक बॉल का शेप दें, इस तरह से। और अब बेलन की हेल्प से हम इसे बेल लेंगे। इस तरह से चपटा करके मैं इसे बेल लूंगी और मैं सूखे मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो तेल लगा करके भी इसे अच्छे से बेल सकते हैं। हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा, सेमी थिक रखना है। कुछ इस तरह का।
अब ग्लास की हेल्प से इसे राउंड शेप में काट लें और इसे अब बाहर निकाल ले रही हूँ मैं। अब इसमें मावा वाला स्टफिंग भरेंगे, तो बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना भरें। किनारों को सील करने के लिए पानी का इस्तेमाल करें और इस तरह से पिंच करके दबा दें। बहुत ज़्यादा स्टफिंग भरने से जब आप इसे फ्राई करेंगे ना, तो मावा फटकर बाहर निकल जाता है। थोड़ा स्पेस छोड़ें इसमें। अब हम इसमें बनाएंगे पैटर्न। तो वैसे तो मार्केट में आजकल मोल्ड भी मिल जाते हैं पेड़किया की, पर मैं आपको यहाँ दो तीन तरह के पैटर्न बनाकर बताऊंगी। तो ये फर्स्ट पैटर्न है। किनारों को पतला कर लें अच्छे से पिंच करके और मोड़ करके और कट करें। पिंच करें, मोड़ें, फिर कट करें। इस तरह से मैं जूम करके आपको दिखला रही हूँ। तो ये पहला पैटर्न हमारा बनकर तैयार है। अब ये सेकेंड डिज़ाइन मैं आपको बताती हूँ। इसमें बस दबा दबा करके मोड़ना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ। तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करें और इसी तरह से बनाएं। और ये मैं बना रही हूँ बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो इस तरह से भी आप पेड़किया को मोड़ सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये हमारे तीन तरह के डिज़ाइन बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड और ये बिगिनर्स वाला। इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। चपाती जैसा बेल करके इसे ग्लास से कट करें। इस तरह से मैंने सारा बना लिया है। अब एक कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ मैं, कुकिंग ऑयल, और अब पिड़किया को फ्राई करेंगे। तो ये मैं चेक कर ले रही हूँ, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। एक एक करके मैं पिड़किया डाल रही हूँ। एक साथ बहुत सारा ना डालें, नहीं तो फटने का डर होता है। और फ्लेम को मीडियम रखें। मावा की पिड़किया को अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी है। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें, नहीं तो बाद में ये सॉगी हो जाता है। तो फ्लेम को मीडियम रखें और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलें। ये मैं दूसरा बैच भी डाल रही हूँ। फ्लेम को मीडियम रखें। और गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। तो इस तरह से हमारा सारा पिड़किया फ्राई हो चुका है और अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो तैयार है मेरा पिड़किया रेसिपी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।